और ये देखिए दोस्तों, साथ में गाय का देसी घी, हमारे पहाड़ी गाय का घी है ये। कर बेल ले ये ए देखा जी, आज तो मैं सब लगरी, करना है। आज ही नु पहली बार लगरी रोटी बनाने चली दी। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें लस्सी डाल रहे हैं। ये देखिए लस्सी वाला, दोस्तों आप भी एक बार अवश्य सर्दियों के टाइम मक्की की रोटी और कचालू इसकी का चाय झोल साथ जरूर है। खाइएगा। हेलो जी, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। कैसे दोस्तों आप सब, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज हम बना रहे हैं मक्की की रोटी और साथ में कचालू का झोल, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। तो देखना आप इस वीडियो को, इस वीडियो को अपने शुरू से एंड तक देखना। तो आज फर्स्ट टाइम हिनु रोटी बना रही है मक्की की, तो देखेंगे आज किस प्रकार से रोटी बनाएंगे वो आज छल्ली की, फर्स्ट एक्सपीरियंस। कुकर बेल ले ए देखा जी, आज तो लग मैं सब रही, करना है। आज हिनु पहली बार लग रही रोटी बनाने छल्ली दी। आज देखा आज कि बनाने से रोटी आज बढ़िया बनाने की बनानी जी। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको मैडम? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक्साइटेड है छल्ली की रोटी बनाने के लिए। तो दोस्तों पहली रोटी बन गई है, अब इसको डालेंगे तवे के ऊपर। ये भी रखने से तवे ऊपर आएगा रोटी, आ जाना मज्जा नाले सब्जी आज कचालू रा झोल। चलिए रोटी क्या स्वाद आना, सर्दी अंदर जरूर खाए तो एक बार चलिए रोटी। होगी होगी। ये देखिए दोस्तों, अब कचालू को छिला जा रहा है क्योंकि इसको हमने बॉईल किया था, आपने भी बॉईल करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल करना है। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे छिलके उतारने, आपने इसके छिलके उतारने का ये तरीका है। देखिए तो दोस्तों देखिए, अब इसको मैश किया जा रहा है, हमने मिक्स बनाई है आलू और कचालू दोनों को। इस झोल बनाना हमने आज आलू और कचालू दोनों का, आलू और कचालू दोनों भाई भाई है। तो दोस्तों अब लग रहे हैं कचालू के झोल के का तड़का, तो अब कचालू के झोल के लिए तड़का लगाया जा रहा है। रोटी हमारी बन चुकी है, कुछ टाइम के बाद झोल बनने वाला है, इसलिए तड़का लगाया जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें लस्सी डाल रहे हैं। ये देखिए लस्सी वाला झोल होता है ये, हम कड़ी को झोल बोलते हैं हिमाचल में, कड़ी 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 झोल जी, झोला सारा मंडी वाले बोला झोल, ये लगे बनता सारा झोल जी। आज जाना मजा खाने जो झोल कहने नाले छली रोटी, आज तो मैं खानी चार पांच छली रोटी झोल के कचालू का झोल बनना आज। आज सारा मंडी वाले का फेमस झोल, झोल नहीं खाते तो फिर क्या खाते तुसे है? ए बनाई थी रोटी जी, ये छली रोटी नाले बन गया कचालू का झोल, आज जाना मजा खाने का। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हमने लगाई हुई है अंगीठी सेकने के लिए, आग सेकने के लिए, ठंड बहुत है आजकल, आजकल बहुत ठंड है तो इस कारण हमने अंगीठी लगाई हुई है। देखिए तो दोस्तों खाना हो गया तैयार, तो सर्व किया जा रहा है खाना, तो अब कर रहे हैं डिनर। आइए आप भी हमारे डिनर करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, साथ में गाय का देसी घी, हमारे पहाड़ी गाय का घी है ये, शुद्ध घी है ये, बिल्कुल स्वच्छ जड़ी बूटी वाला घी है, पहाड़ों का जड़ी बूटी वाला घी, बहुत ही मज़ा आने वाला है खाने को।
दोस्तों मजा आई आज छली रोटी नाल जोड़ होगी खाने में मजा सौगी की था बड़ा ही मजा आई तुसे भी खा के नहीं कमेंट करे भला मुझे खा तुसे नहीं खाना छली रोटी और जोड़ कित कित खा तुसे मुझे कमेंट करे मैं सुरेंद्र है ना कमेंट बॉक्स में जोड़ कीजिएगा मैसेज। तो दोस्तों फाइनली हम डिनर कर रहे हैं, ये देखिए मक्की की रोटी और कचालू का झोल के साथ। ये देखिए आप लोग भी आइएगा हमारे साथ डिनर करने के लिए, सभी लोग हम डिनर कर रहे हैं मिलजुल कर। ये देखिए आज तो बहुत ही मजा आना सजो छली रोटी और नाले झोल खाई के सौ भी पाया से गाय देसी घी। दोस्तों आप भी एक बार अवश्य सर्दियों के टाइम मक्की की रोटी और कचालू का झोल जरूर खाइएगा, इससे आपको छली की रोटी खाने से आपको डायबिटीज़ शुगर बीपी वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मोटा अनाज अवश्य खाइएगा आप, इससे काफ़ी एनर्जी मिलेगी हमारे शरीर को। हमारे बुजुर्ग लोग भी ऐसे खाते थे पुराने समय में बुजुर्ग लोग मोटे अनाज छली रोटी सर्दी में खाना, क्योंकि सर्दी में गर्म होती है और गर्मी के समय बहुत गर्म होती है, सर्दी में खाना ही अपने ये हम भी आजकल सर्दी में खाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरे की हेल्प करते रहें। राधे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।